बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेल, इसके हवाले से क्लास 10th चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो इसका टॉपिक हमारा चल रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के ऊपर मिशन है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में वो दो टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। तो आज हमारा टॉपिक है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये हमारा टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लियॉन दैट अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये किसके ऊपर मुश्तमिल है? कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लियॉन्स, नर्व्स एंड गैंग्लियॉन्स के ऊपर मुश्तमिल है, नर्व और गैंग्लियॉन्स। नर्व हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल कर डिफरेंट पार्ट में तकसीम हो रहे होते हैं, और गैंग्लियॉन्स क्या होते हैं? आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर ये मुश्तमिल होता है, और कवरिंग होती है, ऊपर लेयर होते हैं, मेम्ब्रेन होती है। तो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स सेल बॉडी, तो ये रिले का काम करते हैं, डिफरेंट मैसेज के दौरान रिले का काम करते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये किसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं? नर्व और गैंग्लियॉन्स के ऊपर, और ये किससे निकलते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये नर्व और गैंग्लियॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। तो ह्यूमन बॉडीज का जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? ये मुश्तमिल होता है, ये नर्व है कैसे निकलेंगे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। नर्व किससे निकली? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। और जो ब्रेन से नर्व निकलते उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। तो बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं वो स्पाइनल नर्व, जो ब्रेन से निकलती हैं वो क्रेनियल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकले ह्यूमन बॉडीज के अंदर इसके 12 पेयर्स हैं, कितने पेयर? 12 पेयर्स। और इसके स्पाइनल नर्व कितने? 31 पेयर्स, 31 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बॉडीज के अंदर। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं। तो ये क्रेनियल नर्व है, ये कुछ इसमें सम सेंसरी नर्व और कुछ उसमें मोटर नर्व होते हैं, और कुछ उसमें क्या होते हैं? मिक्स नर्व होते हैं। मिक्स नर्व होते हैं, और ये क्रेनियल नर्व सारे के सारे क्या होते हैं? मिक्स नर्व होते हैं, मिक्स नर्व होते हैं, ठीक। तो नर्व है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकले हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो ब्रेन से निकले हैं वो क्रेनियल नर्व होते हैं, और जो स्पाइनल नर्व से निकले हैं वो कौन होते हैं? स्पाइनल नर्व होते हैं। तो ह्यूमन बॉडीज के अंदर क्रेनियल नर्व की तादाद कितनी होती है? 12 पेयर होती है, और स्पाइनल नर्व की तादाद क्या है? 31 पेयर होते हैं। तो ये क्रेनियल नर्व है, इसमें कुछ जो है सेंसरी नर्व होते हैं, कुछ उसमें मोटर नर्व होते हैं, और कुछ उसमें मिक्स नर्व होते हैं। और जो स्पाइनल नर्व होते हैं इसमें सारे के सारे क्या होते हैं? 31 पेयर जो है जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? मिक्स नर्व होते हैं। तो इस तरह ये जो है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व है ये आगे दो पाथवे बनाते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस
सिस्टम। इसमें क्या कहते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गए। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं, क्या निकले हैं, क्रेनियल नर्व और स्पिन स्पाइनल नर्व। क्या निकले हैं, क्रेनियल नर्व प्लस स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व निकले, ये हमारा PNS, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये हमारा क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व कौन सा सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व ये दो पाथवे बनाते हैं, कौन से बनाते हैं, दो पाथवे बनाते हैं। कितने पाथवे बनाते हैं, दो पाथवे बनाते हैं। एक है बोलते हैं सेंसरी, सेंसरी पाथवे, और दूसरे को बोलते हैं मोटर पाथवे। मोटर पाथवे और सेंसरी पाथवे, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दो पाथवे बनाते हैं। तो एक बोलते हैं सेंसरी पाथवे और दूसरे को मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे किसके ऊपर मुश्किल होते हैं, सेंसरी पाथवे जो है ये किसके ऊपर मुश्किल होते हैं, सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स के ऊपर मुश्किल होता है। सेंसरी पाथवे किसके ऊपर मुश्किल होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। तो इसका क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट इंपल्स, नर्व इंपल्स को बोलते हैं। ठीक है, बस कैसे कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू किसके पास, सॉरी रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से उसको करके किसको देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। दोबारा से नहीं, सेंसरी पाथवे किसके ऊपर मुश्किल होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, ये कंडक्ट करते हैं नर्व इंपल्स को, कंडक्ट करके रिसेप्टर से कंडक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देते हैं। ठीक है, रिसेप्टर कौन से, हमारे सेंस ऑर्गन के, उसे मैसेज को वसूल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं। और इससे हमारा मोटर पाथवे ये किसके ऊपर मुश्किल होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, किसके ऊपर, मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर मिश्रमेल होता है। और ये सेंसरी न्यूरॉन्स के ऊपर मिश्रमेल होते हैं। तो ये कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स, इफेक्टर्स को देते हैं, यहां रिस्पॉन्स करता होगा। तो मोटर न्यूरॉन्स किसके ऊपर मिश्रमेल होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर, मोटर न्यूरॉन्स को मिश्रमेल होते हैं। इंपल्स कंडक्ट करते हैं किसे, सेंट्रल नर्वस, ब्रेन से लेते हैं, और किसको देते हैं, इफेक्टर को, यानी हमारे मसल्स को देते हैं, मसल या ग्लैंड्स को देते हैं। तो इस तरह क्रेनियल और स्पाइनल नर्व दो पाथवे बनाते हैं, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। अब मोटर पाथवे, ये मोटर पाथवे में आगे दो सिस्टम बनाते हैं, मोटर पाथवे आगे दो, फिर दो सिस्टम बनाते हैं। एक को बोलते हैं सोमैटिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरह
ये दो सिस्टम बनाते हैं, मोटर पाथवे दो सिस्टम बनाते हैं, मोटर पाथवे दो सिस्टम बनाते हैं, एक को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये क्या काम करते हैं? तो ये कंट्रोल द कौन से इनवॉलंटरी एक्शन, हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द या रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शन। कॉन्शियस जो हमारे होशोवास में होते हैं और हमारी मर्जी के ताबे होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं या उनका जिम्मेदार होता है, उनकी ड्यूटी ये है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी? कंट्रोल द कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन के ऊपर। और ये कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर मिश्रण होता है, किसके ऊपर? मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर मिश्रण होता है और मैसेज एयर कंडक्ट करता है किसे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके किसको देते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके कंडक्ट द इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू किसको देते हैं? हमारी मसल्स, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स को किसको देते हैं? स्केलेटल मसल, यानी हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो अपनी मर्जी के ताबे हम अपनी बॉडी की मूवमेंट करते हैं। तो इस तरह सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन या कॉन्शियस एक्शन जो हमारे होशोवास में होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। और किनसे ऊपर मिश्रण होता है? मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर मिश्रण होता है। तो ये मोटर न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? कंडक्ट द नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स को देते हैं और फिर रिस्पॉन्स पैदा होता है, यानी हम अपनी मर्जी के ताबे अपने जिस्म की हरकत करते हैं। और इस तरह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये किसके ऊपर मिश्रण होता है? कंसिस्ट ऑफ द कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शंस या नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी वो हमारी बॉडी के वो एक्शन वो रिस्पॉन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी मर्जी के ताबे नहीं होते, वो ऑटोमेटिक चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यानी कि ये कौन सी इसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंट्रोल था? इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं जो हमारी मर्जी के ताबे नहीं होते तो उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये किसके ऊपर मिश्रण होता है? कंसिस्ट ऑफ द मोटर न्यूरॉन, ये भी मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर ही मिश्रण होता है, ठीक है, इसके ऊपर मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर मिश्रण होते हैं। और क्या काम करते हैं? कंडक्ट द इंपल्स फ्रॉम CNS से लेके टू द किसको देते हैं? कॉर्डिक मसल, कॉर्डिक मसल, स्मूथ मसल, और ग्लैंड्स, जी कॉर्डिक मसल को यानी हमारे दिल के मसल को मैसेज करने के करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन और किसके ऊपर? मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर मिश्रण होते हैं। और कंडक्ट करते हैं इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज देते हैं, किसको देते हैं? कॉर्डिक मसल, हमारी दिल के मसल जो हार्ट बीट जो है हमारी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिकली चल रही है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होता है, कॉर्डिक मसल को, हमारी हार्ट बीट्स को। और स्मूथ मसल,
हमारी ब्लड कैपरीज है, आर्टरीज है, वेन्स है, इसके अंदर वाली साइड पे हमारी जो है ब्लड वेसल है उसके अंदर वाली साइड के ऊपर ये स्मूथ मसल होते हैं और ब्लड को फ्लो करने में मदद देते हैं। ये भी हमारी मर्जी की दावे नहीं है। इस तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कंट्रांस से लेकर उसमें एलिमेंट्री का नाल के अंदर से हमारा एसोफिगस है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसके इस ट्यूब के एलिमेंट्री कनाल के अंदर वाली साइड पे स्मूथ मसल्स होते हैं, तो ये पानी और खुराक को आगे फॉरवर्ड करने में मदद देते हैं। तो ये भी हमारी मर्जी के ताबे नहीं होते। और मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स हैं जो सीक्रेशंस करते हैं और वो भी हमारी मर्जी के ताबे नहीं होते, वो भी खुद खुद काम कर रहे होते हैं। हमारा पैनक्रियाज है, हमारा लीवर्स है और ध्यान अदर जितने भी ग्लैंड्स हैं, तो वो सारे के सारे अपनी मर्जी के ताबे कर रहे होते हैं, हमारी मर्जी के ताबे नहीं चल रहे होते। तो इसलिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर दो पाथवे में आता है, दो सिस्टम में आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितने बनाते हैं? दो सिस्टम जो बनाता है अभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो सिस्टम बनाता है। कौन से? एक बोलते हैं सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ये आगे फिर दो सिस्टम बनाता है, कौन कौन से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये क्या काम करते हैं? ये प्रिपेयर द बॉडी, ठीक है, तो ये किसमें डील करते हैं? प्रिपेयर द बॉडी, बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर द बॉडी टू डील इन द एमरजेंसी एमरजेंसी सिचुएशन एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जिसम को तैयार कर, प्रिपेयर द बॉडी टू डील द एमरजेंसी सिचुएशन। तो एमरजेंसी सिचुएशन होती है उसके अंदर इसको डील करता है। कौन सा सिस्टम? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे जिस्म को एमरजेंसी हालात के अंदर तैयार करता है, उसको डील करने में, फेस करने में तैयार करता है। तो इसी सिस्टम को अक्सर हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, फ्लाइट और फाइट, यानी एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जिसम या तो उसको सामना करे, जो एमरजेंसी सिचुएशन है उसको फेस करे, या उसे फेस नहीं कर सकता तो उसे पीछे हटे, यानी या उसका मुकाबला करे, मुश्किल हालात का एमरजेंसी सिचुएशन का मुकाबला करे, या मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर उसको छोड़ दे, मैदान को छोड़ दे। तो इसको बोलते हैं, इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जिस्म को किस तरह तैयार करते हैं, एमरजेंसी सिचुएशन में जिस्म को किस तरह तैयार करते हैं? तो ये हमारी आंखें जो हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्यूपल डायलेट, हमारी आंखें जो हैं खुली की खुली रह जाती हैं एमरजेंसी के अंदर, हम घबरा जाते हैं या परेशानी के हालत में हमारी आंखें जो खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर क्या होता है, इंक्रीज द हार्ट रेट, इंक्रीज द हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट भी, ब्रीथिंग रेट भी तेज हो जाता है। और इनहेबिट द डाइजेशन,
इनहेबिट द डाइजेशन। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करते हैं, तैयार करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए जिस्म को तैयार करते हैं, इसलिए इसको फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, मुकाबला करो या फिर मैदान छोड़ दो। तो इसमें हमारा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है किस तरह बॉडी को तैयार करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरह तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी आंखें बिल्कुल डायलेट, हमारी आंखें खुली खुली रह जाती है, हमारी हार्ट बीट और हमारी सांसें ये तेज़ हो जाती है, इनकी रफ्तार तेज़ हो जाती है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये है वो भी इनहेबिट हो जाते हैं, या तो रुक जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ काम करते हैं। खासकर खवातीन के अंदर कोई इमरजेंसी या कोई बुरी खबर सुने तो उनका अक्सर डाइजेस्टिव सिस्टम में काम छोड़ देता है, तो अक्सर उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इस तरह मर्दों के अंदर थोड़ी सी हिम्मत ज़्यादा होती है खवातीन की नस्बत, तो इस तरह मर्दों का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है थोड़ा सा स्ट्रांग होता है बनिस्बत खवातीन के, तो इस तरह उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनहेबिट हो जाता है, ये रुक जाता है या तेज़ काम करने लग जाते हैं। तो इस तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन में तैयार करता है। और इस तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या काम करते हैं, ये जब स्ट्रेस वाली कंडीशन या एमरजेंसी सिचुएशन जो है वो कम हो जाती है, दबाव कम हो जाता है, स्ट्रेस एंड हो जाता है, जब स्ट्रेस एंड हो जाता है तो फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज द फंक्शन, नॉर्मलाइज द फंक्शन, सारे फंक्शन को नॉर्मलाइज कर देते हैं, नॉर्मलाइज द फंक्शन। इसमें फिर क्या करते हैं, इसमें हमारी जो है आंखें वो थोड़ा सा नॉर्मल हालत में आ जाते हैं, तो प्यूपल कहते हैं प्यूपल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा सुगड़ जाती है, और प्रमोट द डाइजेशन, प्रमोट द डाइजेशन, डाइजेशन को नॉर्मल सिचुएशन में ले जाते हैं, और स्लो द हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट को नॉर्मल हालत में ले आता है। तो इस तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये जब स्ट्रेस एंड होता है या इमरजेंसी वाले हालात जो थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं तो ये हमारी बॉडी के जो फंक्शन को उसको नॉर्मल हालत में ले आता है। तो अक्सर आपने देखा होगा जब बंदा परेशानी से भी निकल जाता है परेशानी वाले हालात से तो काफ़ी हद तक उसकी हार्ट बीट भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाती है, उसकी सांसें भी नॉर्मल हो जाती हैं, और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, और आँखें जो हैं जो घबराहट के अंदर या परेशानी के अंदर या ख़तरे वाले हालात के अंदर खुल जाती हैं, खुली की खुली रह जाती हैं घबराहट के अंदर, तो वो भी नॉर्मल हालत में आ जाती हैं। तो इस तरह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करते हैं जब दबाव कम हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इस तरीके से काम करते हैं। तो इसमें दोबारा हम एक दफा रिवाइज करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व और गैंग्लियंस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और ये नर्व और गैंग्लियन कैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो जो ब्रेन से नर्व निकलती है वो क्रैनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो स्पाइनल नर्व। तो क्रैनियल नर्व के 12 जोड़े होते हैं ह्यूमन बॉडी में, और स्पाइनल नर्व के 31 जोड़े होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। तो क्रैनियल नर्व जो है इसमें कुछ सेंसरी मोटर, कुछ सेंसरी न्यूरॉन नर्व होते हैं, कुछ मोटर नर्व और कुछ मिक्स नर्व होते हैं, जबकि स्पाइनल नर्व के अंदर सारे के सारे जो 31 पेयर जो है वो सारे के सारे मिक्स नर्व होते हैं। तो ह्यूमन बॉडीज के अंदर ये स्पाइनल और क्रैनियल नर्व हैं दो पाथवे बनाती हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शुरू हो जाते हैं। तो क्रैनियल और स्पाइनल नर्व दो पाथवे बनाते हैं, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। कौन सा पाथवे? सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। क्लियर? तो ये सेंसरी पाथवे किसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। किसके ऊपर? सेंसरी न्यूरॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और ये कंडक्ट करते हैं नर्व के पास, कंडक्ट करते हैं किसे? रिसेप्टर से, और किसको देते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से, यानी रिसेप्टर हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज वसूल करके किसको देते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को।
तीसरा मोटर पाथवे, ये किसके ऊपर विस्मेल होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर। किसके ऊपर? मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर विस्मेल होते हैं। और ये कंडक्ट क्या करते हैं? नर्व पाथ को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन, अब ये सेंसरी न्यूरॉन के जरिए मैसेज ब्रेन में गया, अब ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज को फॉरवर्ड करना है। किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसको मैसेज जाएगा? इफेक्टर यानी हमारे मसल या ग्लैंड्स को जाएगा। तो इसका मोटर पाथवे जो है, मोटर पाथवे जो है ये दो सिस्टम बनाता है। मोटर पाथवे दो सिस्टम बनाता है, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मोटर पाथवे दो सिस्टम बनाता है, कौन से? सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कौन बनाता है? मोटर पाथवे दो सिस्टम बनाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वोलेंट्री एक्शन, हमारे वोलेंट्री एक्शन जो है, जो हमारे मर्जी के तहत एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। कंसिस्ट ऑफ द मोटर न्यूरॉन, कंसिस्ट ऑफ द मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के ऊपर निश्चित होते हैं और कंडक्ट द इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्कैटर्ड मैसेज। और इस तरह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किस के ऊपर निश्चित कंट्रोल करते हैं? हमारे इनवोलेंट्री एक्शन, हमारे इनवोलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जो एक्शन या रिस्पॉन्स हमारी मर्जी के ताबे नहीं होते। ये भी मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर निश्चित होते हैं और कंडक्ट द इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कॉर्डियल मसल, स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स। तो यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे कॉर्डियल मसल, हमारे स्मूथ मसल और ग्लैंड्स को, यानी कॉर्डिक हमारे दिल की धड़कन हमारी मर्जी के ताबे नहीं होती और बहुत सारे ग्लैंड जो हमारी मर्जी के ताबे काम नहीं करते, अपनी मर्जी से काम कर लेते हैं। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आगे दो सिस्टम बनाता है, आगे दो सिस्टम बनाते हैं, कौन से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर द बॉडी टू डील द इमरजेंसी सिचुएशन, हमारी बॉडी को इमरजेंसी हालात में तैयार करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फाइट या फ्लाइट, फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो इसमें इमरजेंसी हालात कौन कौन से होते हैं? हमारे ऊपर गाइडेड आंखें खुल जाती हैं और हमारी हार्ट बीट जो है और हमारी ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनहेबिट हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। तो इस तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? जब इमरजेंसी के हालात थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं या स्ट्रेस वाली कंडीशन एंड हो जाती है तो फिर हमारी बॉडी के फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें हमारी आंखें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, नॉर्मल हालत में आ जाती हैं और हमारी हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट है वो भी नॉर्मल हो जाता है, स्लो हो जाता है। और इस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी प्रमोट करने भी नॉर्मल हालत में हो जाता है। तो इस तरह हमारा ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इस तरह फंक्शंस करते हैं। तो आज वाले सिस्टम के अंदर, आज वाले टॉपिक्स के अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस की? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।